Hello everyone, welcome to my channel. आज हम इस वीडियो में फ्री रेडिकल पॉलिमराइजेशन के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे एंड डिटेल मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे सो so, फ्री रेडिकल पॉलिमराइजेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिंथेटिक पॉलीमर यूनिट से रिलेटेड सो so, इस कॉन्सेप्ट को समझने से पहले पॉलिमराइजेशन क्या होता है एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं पिछले वीडियो में मैंने एडिशन पॉलिमराइजेशन पॉलिमराइजेशन का कॉन्सेप्ट समझाया है अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आपको चैनल के प्ले में सभी वीडियो मिल जाएंगे तो आप चेक कर सकते हैं सो पॉलिमराइजेशन क्या होता है

एंड पॉलीमराइजेशन। सो कैटिक एंड एनैनिक एडिशन पॉलीमराइजेशन को अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे आज हम इस पर्टिकुलर वीडियो में फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन को समझेंगे फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन क्या होता है फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन इज अ टाइप ऑफ एडिशन पॉलीमराइजेशन वेयर द पॉलीमर चेन ग्रो बाय रिएक्शन इन्वॉल्विंग फ्री रेडिकल्स ठीक है सिंपल सा कॉन्सेप्ट जब पॉलीमर जब का चेन तभी ग्रो होगा जब इस रिएक्शन में फ्री रेडिकल इन्वॉल्व होंगे ठीक है जब फ्री रेडिकल इन्वॉल्व होंगे फ्री रेडिकल्स के कारण ही चेन जो है आगे बढ़ते जाएगा तो तो उसको जो है फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन कहा जाता है इसी कॉन्सेप्ट को फ्री रेडिकल आर हाईली रिएक्टिव एटम्स मॉलिक्यूल विद एन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ठीक है रेडिकल्स क्या है, आ, जैसे कि दो जो है आपस में जो है बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए हैं एक, दो जुड़े हुए हैं जब इनको जो है गर्म किया जाएगा या फिर सनलाइट के प्रेजेंट में जो है, इनके फीजन होगा, तो एक इसके पास आ जाएगा एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएगा ठीक है तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इनके पास आएंगे इनको ही कहा जाता है फ्री रेडिकल्स ठीक है यही कॉन्सेप्ट है फ्री रेडिकल्स का अब यहाँ पे इसको हम स्टेप वाइज समझेंगे थ्री स्टेज आर इन्वॉल्व इन दिस

लिया उसके साथ हमने इथाइलिन मोनोमर लिया तब दोनों को रिएक्ट कराया जाता है तो हमको हमारा जो पूरा मॉलिक्यूल है वो फ्री रेडिकल बन जाता है कैसे देखिए ये आर इसमें एक फ्री रेडिकल है ठीक है कोई भी हमने यहाँ पे फ्री रेडिकल लिया है ये तो इसमें क्या होगा इथाइलिन के साथ जुड़ेगा कैसे जुड़ेगा ये देखिए डबल बॉन्ड के साथ क्या है दो दो इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से एक बॉन्ड बनाए हुए हैं तो इसका जो एक आ, ये ये जो बॉन्ड होगा ठीक है ये बेसिकली आ, इसका एक इलेक्ट्रॉन इसका एक इलेक्ट्रॉन मिलके यहां पे इन दोनों का बॉन्ड बन जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन हमारा बच जाएगा वो फ्री रेडिकल्स के रूप में रह जाएगा ठीक है अब यहां पे एग्जांपल से आप समझ सकते हैं बेसिकली हमको एक ऐसा एग्जाम्पल लेना है एक ऐसा रिएजेंट लेना है जिससे जो है हमको फ्री रेडिकल प्राप्त होगा ठीक है फिर उसको हम यूज करेंगे उसको फिर हम मोनोमर्स के साथ जो है रिएक्ट कराएंगे और हम आगे प्रोसेस करेंगे जैसे देखिए द मेन सोर्स ऑफ द फ्री रेडिकल आर इज बेंजोइल पेरोक्साइड अब आप ये रिएक्शन आपको

एक इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा ठीक है? तो यहाँ पे फ्री रेडिकल यहाँ पे फ्री रेडिकल आ जाएगा अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में आ, दो सी सिक्स एच फाइव है ठीक है दो सी डबल वन ओ है दो फ्री रेडिकल्स है तो इसको हम टू लिख सकते हैं आगे मैं दो कर देंगे सी सिक्स फाइव और ये बॉन्ड और ये है ना अब यहाँ पे फिर से बॉन्ड फीजन होगा इस आ, इ, इन कार्बन और कार्बन के बीच जो बॉन्ड है उसके बीच बॉन्ड फिजन होगा तो एक जो इलेक्ट्रॉन है इधर आएगा और एक इलेक्ट्रॉन जो है इधर आएगा अब इधर जो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा फ्री रेडिकल ये दोनों बॉन्ड बना लेंगे और सीओ के रूप में बाहर निकल जाएंगे और यहाँ का जो फ्री रेडिकल है वो कार्बन में इस प्रकार से आके जुड़ जाएगा ठीक है तो ये हमारा बेंजोइड फ्री रेडिकल्स है ठीक है जब हम इसको आ, उसके बाद यहाँ पे जब बॉन्ड फीजन होगा तो हमको फिनाइल फ्री रेडिकल प्राप्त होगा मतलब यहाँ का जो एक इलेक्ट्रॉन है इसके पास आ गया 2C6H5 और यहाँ पे जो CO2 है वो 2CO2 जो है बाहर निकल जाएगा यहाँ पे 2 है तो ये भी 2 होगा ना तो 2CO2 जो है ये बॉन्ड बना के बाहर निकल जाएगा ठीक है तो इस प्रकार से इनिशिएट हो गया हमारा हमको पहले जो है फ्री रेडिकल प्राप्त हो गया अब यही जो हमारा फिनाइल जो फ्री रेडिकल प्राप्त हुआ है इसी को हमको रिएक्ट कराना है हमारे मोनोमर से से CS2, CS2 के साथ ठीक है तो इसके साथ जब हम रिएक्ट कराएंगे तो हमको फ्री रेडिकल प्राप्त होगा मतलब पूरा मोलिक्यूल ये इथाइलिन जब इस फ्री रेडिकल के साथ जो है जाएगा तो पूरा फ्री रेडिकल रेडिकल हो जाएगा कैसे देखिए वही है कॉन्सेप्ट जो हमने पहले समझा था कि ये दो बॉन्ड है ठीक है तो इनके बीच बॉन्ड फ्यूजन होगा तो एक यहाँ पे आएगा एक यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे एक फ्री रेडिकल आएगा यहाँ पे एक फ्री रेडिकल आ जाएगा अब ये जो फ्री रेडिकल है इस फ्री रेडिकल के साथ जो है जुड़कर बॉन्ड बना लेगा और इसके साथ वाला जो फ्री रेडिकल है वो वहीं पे रहेगा ठीक है तो इस प्रकार से हमको ये प्राप्त होगा अब ये जो है फिर आगे बढ़ते ही जाएगा ठीक है ये ये हमारा फाइनल

तो वंस द फ्री रेडिकल इज फॉर्म इट एड ऑन द सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ मोनोमर्स एंड जनरेट अनदर फ्री रेडिकल ठीक है एक बार हमारे फ्री रेडिकल बन गया फिर मोनोमर इथालन हम इसमें जोड़ देंगे तो फिर वही प्रोसेस होगा ठीक है यहां पे बॉन्ड फीजन होगा इसके बाद यहां पे एक आ जाएगा यहां पे एक आ जाएगा अब इन दोनों जो है बॉन्ड बना लेंगे ये फ्री रेडिकल ये फ्री रेडिकल मिल बॉन्ड बना लेंगे और यहां पे फिर से फ्री रेडिकल बच जाएगा हमारा ठीक है तो ये फिर ऐसे प्रोसेस हो गया अगर यहां पे फिर हम जोड़ देंगे सी एस टू सी डबल बॉन्ड सी एस टू तो फिर एक सीएस टू जुड़ जाएगा और एक में फिर फ्री रेडिकल आ जाएगा ठीक है То चलता ही रहेगा ठीक है तो यही प्रोसेस यही है जो है हमारा फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन मतलब फ्री रेडिकल के कारण जो है हमारा पॉलीमराइजेशन हो रहा है ठीक है अब यहाँ कंज्यूम दि, जितना नंबर ऑफ मोनोमर्स कंज्यूम होते रहेंगे तब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा तो यहाँ पे हम एन लिख सकते हैं सी एस टू सी एस टू जो है हमारा इथालियन है तो यहाँ पे एन नंबर ऑफ एन मतलब अनंत थीके? जितना भी नंबर ऑफ हम यहाँ पे जोड़ सकते हैं सी एस टू सी एस टू तो इस प्रकार से आप ये लिख सकते हैं ठीक है ये वाला लिखेंगे उसके बाद एन स्टेप उसके बाद ये हमारा जो इथालीन है जो मोनोमर्स है उसको यहां पे एंड डाल देंगे तो ये प्रोसेस चलता रहेगा ठीक है तो ये प्रोपोक्शन वाला स्टेप हो गया अब हमारा टर्मिनेशन वाला ठीक है टर्मिनेशन मतलब अब इसको जो जो है ये जो हमारा चेन लगातार बनते जा रहा है इसको रोकना भी जरूरी है ठीक है तो रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं क्या क्या रिएक्शन होगा जैसे ये जो चेन लगातार बनते जा रहा है फ्री रेडिकल उसमें आते जा रहा है वो कैसे खत्म होगा तो सिंपल से दो दो इसके मेथड है द चेन ग्रोथ में टर्मिनेट इफ द टू फ्री रेडिकल आर कंप्लीट ठीक है

जो है टर्मिनेट हो जाएगा चेन बनना जो है खत्म हो जाएगा ठीक है बंद हो जाएगा अब सेकंड एक एक और स्टेप है प्रोपोनेशन ठीक है तो डिस्प्रोपोनेशन में क्या होगा बिटवीन टू फ्री रेडिकल में ऑल्सो कॉज टर्मिनेशन ठीक है जब दो फ्री रेडिकल के बीच ये वाला जो प्रोसेस होता है डिस्प्रोपोनेशन वो भी टर्मिनेट का काम करता है अब यहां पे देखिए कैसे होगा यह हमारा एक फ्री रेडिकल है यह हमारा एक फ्री रेडिकल ठीक है एक हमने एक मॉलिक्यूल लिए एक मॉलिक्यूल ये हमने लिया है अब इसको सीएस जो है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ठीक है सॉरी ये सीएस टू सी एस टू है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं सी एच

अब यहां पे देखिए हमारा सी सिक्स एच फाइव प्राप्त हो गया और ये हमको सी एच प्राप्त हो गया सी एच कैसे प्राप्त हुआ जब यहाँ पे बॉन्ड फ्यूजन हो गया ठीक है अब यहां पे यहां पे एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया था फ्री रेडिकल तो यहां पे ये यह आ गया था उसके बाद ये सी एस टू है सीएस टू का सीएस टू एज इट इज है यहां पे पहले सिंगल बॉन्ड था लेकिन अब डबल बॉन्ड हो गया क्योंकि इसका एक इलेक्ट्रॉन इसका एक इलेक्ट्रॉन इसका एक इलेक्ट्रॉन तो जो फ्री रेडिकल्स के रूप में है वो दोनों बॉन्ड बना लेंगे और ये डबल बॉन्ड हो जाएगा उसके बाद फिर प्लस सी एस टू लिखेंगे आप फिर ये प्लस सी एस थ्री लिखेंगे क्योंकि देखिए ये जो सी एस है यहाँ पे एक आ, हमारा क्या है फ्री रेडिकल है तो ये जो हमने हाइड्रोजन बाहर निकाला था वो आके बेसिकली इसके साथ जुड़ जाएगा इस प्रकार से ठीक है तो इसका फ्री रेडिकल इसका फ्री रेडिकल जो है आपस में बॉन्ड बना लेंगे और ये सी एस थ्री हो जाएगा ठीक है यहाँ पे देखिए ये सी एस थ्री हो गया ठीक है उसके बाद फिर बाकी सी एस टू एज इट इज लिखना है ठीक है तो इस प्रकार से भी जो है हमारा ये आ, जो चेन बन रहा है लगातार वो खत्म हो सकता है ठीक है बंद हो जाएगा डिस्प्रोपोनेशन कहा जाता है इस प्रोसेस को आई होप आपको समझ में आ गया होगा ठीक है एक टर्मिनेशन में दो प्रोसेस है टर्मिनेशन में एक तो हम दो फ्री रेडिकल को आपस में जोड़ देंगे तो ये हमारा हो जाएगा और सेकंड जो है जिसमें आपस में जोड़ेंगे लेकिन डिस्प्रोपोनेशन वाला जो है ये असमानुपात आसम, वाला जो है एक आ, प्रोसेस होता है जिसके बाद ये हमारा बंद हो जाता है ठीक है ये रुकना ये टर्मिनेट हो जाता है तो आई होप कि ये ये आपको समझ में आ गया होगा बहुत बेसिक है एक बार आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा एंड आप इसको जो है अपने से भी एग्जाम्स में लिख सकते हैं ये कम्प्लीट हैरिटन नोट्स मैंने आपके बी एस सी एंड एमएससी लेवल के सेमेस्टर एग्जाम्स के अकॉर्डिंग प्रोवाइड किया है तो आई होप कि आपके एग्जाम प्रिपेरेशन के लिए हेल्पफुल हो एंड अगर आपको हैरिटन नोट्स चाहिए पीडीएफ फॉर्म है तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड पिन कमेंट में पीडीएफ स्टोर का लिंक मिलेगा आप चेक कर सकते हैं वहां से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं एंड आगे की वीडियोज देखने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग